मैं आज आंध्र प्रदेश की जनता को कहने आया हूं, चंद्रबाबू जी संयुक्त आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे तब आंध्र प्रदेश को टॉप पर ले गए थे। आंध्र के विभाजन के बाद भी यहां फाउंडेशन डाला, मगर जगन बाबू ने डेवलपमेंट की गाड़ी को पटरी पर से उतार दिया है। डेवलपमेंट जीरो है, इन्वेस्टमेंट स्टॉप है और अनएम्प्लॉयमेंट हाईएस्ट है। और आंध्र प्रदेश पर 13,50,000 करोड़ का कर्ज डालने का काम एक जगन बाबू की सरकार ने किया है। इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट रुके हुए हैं और लैंड माफिया की इंडस्ट्री फुल फ्लेज चल रही है। ये वादा खिलाफ है कि जगन सरकार है। उन्होंने कहा था शराब पर प्रतिबंध लगाएंगे, मैं पूछने आया हूं लगाया क्या? उल्टा शराब की सिंडिकेट आपने चालू कर दी। आरोग्य श्री योजना तो चालू कर दी, मगर पेमेंट नहीं होता है तो सारे लोगों ने आरोग्य श्री के पेशेंट को हॉस्पिटल में लेने से मना कर दिया। जगन बाबू ने रायल सीमा को इग्नोर किया है। मैं आपको कहने आया हूं, मोदी जी और चंद्र बाबू जी को जिता दीजिए, सिर्फ पोल्लावरम नहीं, हांड्री, निवास, सुजला, श्रौथी, बेलीगोंडा और वारिका, ये सभी इरिगेशन स्कीम को हम पूरा करेंगे। कमल का बटन दबाएं, भाजपा को जिताएं।